एक मित्र ने पूछा है, हमारी आदत होती है हमेशा सपनों के पीछे भागना। जब सपना पूरा हो जाता है तो हमारे लिए वो व्यर्थ हो जाता है, फिर हम दूसरे सपने के पीछे भागते हैं, उसके पूरा होते ही हमें फिर से खालीपन घेर लेता है। ये खालीपन कैसे खत्म हो, कृपया मार्गदर्शन कर। ये प्रश्न अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन जो प्रश्न पूछने में भाषा की त्रुटि है वो इसमें अड़चन डाल रही है। पूछा है ये खालीपन कैसे खत्म हो। खालीपन खत्म नहीं करना है, खालीपन में स्थित हो जाना है। ये खालीपन ही तो तुम्हारा स्वभाव है। जैसे महामंत्र ध्यान के पहले चरण में हम खालीपन का भाव करते हैं, तो ये मात्र शारीरिक खालीपन की ओर इशारा नहीं है, ये तुम्हारी चेतना को उभारने की एक विधि है। तुम्हारी चेतना अपने गहरे और शुद्ध स्वरूप में रिक्त है, खाली है, शून्य है, और इस खालीपन से, इस शून्य से ही सब उपजता है। खालीपन से घबराना नहीं है। बात बिल्कुल ठीक लिखी है, अनुभव सिद्ध है, ये जगत स्वप्नवत है, सपने जैसा है। जब जगत ही सपने जैसा है तो तुम उस सपने के भीतर कुछ और सपने देखते हो। एक सपना पूरा होता है, तुम्हें लगता है कि शायद अब विश्राम आ जाएगा, लेकिन विश्राम नहीं आता, फिर दौड़ शुरू हो जाती है, फिर तुम कोई नया सपना बुन लेते हो, उसके पीछे भागते हो। थोड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ तो उसे खालीपन पकड़ता है। खालीपन हर किसी को नहीं मिल जाता। ये मत सोचना कि सपनों की व्यर्थता के बाद जो खालीपन का एहसास है ये हर किसी को पकड़ता है। आम तौर से तो व्यक्ति एक सपने की व्यर्थता के तुरंत बाद दूसरे सपने को पैदा कर लेता है। जैसे तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसको अंतिम संस्कार के लिए तुम सब ले जाते हो, और अभी उसकी चिता में आग जल ही रही होती है कि सारी राजनीति फिर से वहीं पैदा हो जाती है, घर का झगड़ा झंझट, इसके बाद क्या होना है, क्या करना है, सब तुरंत पैदा हो जाता है। अभी वो शरीर आग में जलकर समाप्त भी नहीं हुआ और वही नादानियां जिनमें जीते जीते ये व्यक्ति आज समाप्त हो गया, तुम फिर से प्रारंभ कर देते। ऐसा ही सपनों का जगत है। एक सपने के व्यर्थ हो जाने पर शायद ही किसी को एहसास पकड़ता है कि सपना मात्र व्यर्थ है। जिसे ये एहसास पकड़ता है उसे खालीपन घेरता है। खालीपन बहुत सुंदर है, समस्या भरे होने की है। हम इतने भरे हुए हैं, इतने बोझिल हो गए हैं कि जीवन जीना मुश्किल हो गया है।
ठीक अर्थों में वही व्यक्ति जीवन को जीता है जिसने इस खालीपन को अनुभव कर लिया है। अब वो सपनों के साथ खेल सकता है, अब वो सपने रच सकता है, सपनों का आनंद ले सकता है और सपने उसके ऊपर हावी नहीं होंगे। सपने एक सुंदर खेल की तरह, तो ऐसा नहीं है कि तुम खेल खेलना बंद कर देते हो। जैसे कोई भी तुम खेल खेल रहे हो तो उसमें हार होती है, जीत होती है। कुछ लोग हार से इतने निराश हो जाते हैं कि सोचते हैं दोबारा खेल नहीं खेलेंगे, कुछ जीत के बाद भी निराश हो जाते हैं, उनको लगता है जीत कर भी क्या हुआ, या अहंकार से भर जाते हैं कि हमने जीत लिया। लेकिन जो अच्छा खिलाड़ी है वो जानता है हारना भी चलता है, जीतना भी चलता है, खेलना सुंदर है। तो बार बार खेल प्रारंभ होता है, बार बार समाप्त होता है और तुम बार बार उस खेल का आनंद लेते हो। जीवन में सपने ऐसे देखे जाएं तो बहुत सुंदर है। एक सपना एक खेल की तरह तुम पैदा करो, उसका आनंद लो, वो पूरा हो जाए उसे विसर्जित कर दो, उसे अपने भीतर किसी बोझ की तरह इकट्ठा मत करो। तुम खाली हो रहे हो, तुम पूरी तरह खाली हो जाओ। जैसे खेल के मैदान में खेल पूरा होने के बाद खिलाड़ी सब अपना साज सामान बांध कर चले जाते हैं और फिर मैदान खाली हो जाता है, तो जीवन का मैदान भी ऐसे ही हर बार खाली हो जाता है। और अगर वो खाली ना हो तो वहां कभी दूसरा खेल भी प्रारंभ ना हो पाए। तुम कल्पना करो कि एक ही टीम किसी मैदान में जमी रहे और खेलती रहे तो कभी दूसरा खेल वहां कैसे होगा। तो अगर एक ही सपना निरंतर चलता रहे तो दूसरे सपने कहां से आएंगे, दूसरे सपनों को भी मौका मिलना है। सपनों के प्रति गंभीर नहीं हो जाना है और सपने देखना बंद नहीं कर देना है। सपनों का अर्थ रात में देखे जाने वाले सपने नहीं, सपने का अर्थ है जीवन में तुम जो कुछ भी करना चाह रहे हो वो एक सपना है। कहते हैं कि जब इस सृष्टि की रचना हुई तो परमात्मा ने इस सृष्टि के रचने का स्वप्न देखा और सृष्टि रच गई। तुम्हारे सपने से ही तुम्हारा जीवन रचा जाता है। तुम जीवन के बारे में जो परिकल्पना अपने भीतर पैदा करते हो तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाता है। तो सपना देखना बुरा नहीं है, सपने का आनंद लेना ये आवश्यक है। सपने के प्रति गैर गंभीर होना ये आवश्यक है। और ये मत सोचे कि सपना व्यर्थ हो जाता है, वो अपनी उपयोगिता पूरी करके समाप्त हो जाता है। सुबह एक फूल खिलता है, सांझ पंखुड़ी पंखुड़ी होकर बिखर जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो फूल बिखर गया है उसका खिलना व्यर्थ था, वो जितनी देर खिला है उतनी देर के आनंद को देखो, उतनी देर के सौंदर्य को देखो। इसीलिए फूलों का बार बार खिलना सुंदर है, वो खिलते हैं और बिखर जाते हैं। बिखरने के प्रति निराश मत हो, निराशा और खालीपन में भेद है। जो व्यक्ति निराश होता है वो सोचता है कि जीवन तो ऐसा ही होना है तो खिलना क्यों। अगर किसी दिन प्रकृति को ये विचार पकड़ जाता, पौधों को विचार पकड़ जाता कि हर फूल खिलने के बाद इस अंजाम तक पहुंचता है तो खिलना ही क्यों, तो ये संसार कितना बेरौनक हो जाता। तुम्हारे सपने पूरे होते हैं या नहीं पूरे होते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं कुछ नहीं पूरे होते हैं,
न पूरे होने में भी उनकी सार्थकता होती है और पूरे हो जाने में भी उनकी सार्थकता होती है। व्यर्थता किसी भी बात में नहीं। जैसे विज्ञान में हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं, हर प्रयोग सफल नहीं होता, कोई कोई प्रयोग सफल होता है, लेकिन जो प्रयोग असफल हो जाते हैं वो भी एक प्रकार से सफल ही होते हैं, क्योंकि वो तुम्हें वास्तविक प्रयोग के और नजदीक ले आते हैं। या कहें कि किसी नियम के अंतर्गत तो प्रयोग सफल हुआ ही, तुम्हारी परिकल्पना के अंतर्गत तो सफल नहीं हो। तो जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं, तुम्हारी दृष्टि में वो नहीं हुआ जैसा तुम चाहते थे तो तुम उसे असफलता का नाम देते हो, लेकिन वो किसी न किसी ढंग से हुआ, कोई न कोई घटना घटी, तुम उस घटना का भी आनंद ले सकते हो। सपनों को ऐसे ही देखो, कोई सपना छोटा है कोई बड़ा है, सबका अपना अपना सौंदर्य है। सपनों के जो विसर्जित होने के बाद का भाव है वो है शून्यता का भाव, खालीपन का, एम्प्टीनेस का। वो इसलिए है क्योंकि सब कुछ उसी से पैदा होता है। ये भाव साधकों का है, गहरी प्रतिभा से भरे लोगों का है, सभी के पास ये भाव नहीं है। तो जिस किसी को ये खालीपन का भाव पकड़ जाए वो तो उस खालीपन में ही डूब जाए, और करना भी क्या है फिर, तुम उस खालीपन में डूब जाओ और उस खालीपन से, उस शून्य से ही निकलकर तुम्हारा संसार, तुम्हारे सपने बार बार रचे जाएंगे। सृजन की जो प्रक्रिया है वो यही है कि जितना शुद्ध खालीपन है उतना ही बड़ा सृजन है, जितना शून्यता का गहरा भाव है उतना ही सृजन का गहरे से गहरा हो जाना है। जिस कैनवास पर अच्छा चित्र बनना है उसे पूरी तरह खाली होना भी जरूरी है। भरे हुए कैनवास पर कैसे चित्र बने? तो जिस कैनवास पर अच्छा चित्र बनता है वो पूरी तरह खाली होता है। जब तुम्हारा अंतस भी पूरी तरह खाली हो जाता है तो उसमें अद्भुत संभावनाएं प्रकट हो जाती है। इसीलिए इस खालीपन का स्वागत करो, इस खालीपन का आनंद लो, उससे मुक्त नहीं होना है, और सपनों को सपनों की तरह देखो। ये संसार भी एक किस्म का सपना ही है। जो इस संसार को सपने की तरह देखने लगता है उसके जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये भी ध्यान की कुछ विधियों में से एक विधि है, संसार को स्वप्न की तरह देखना प्रारंभ करना। जब संसार को तुम स्वप्न की तरह देखते हो तो ये खेल बड़ा ही अद्भुत हो जाता है। फिर तुम्हारे जो भाव हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, वो इस सपने के भीतर देखे गए सपने हैं। कभी कभी नींद में भी तुमने ऐसे सपने देखे होंगे जब एक सपना चल रहा है और उस सपने के भीतर भी एक सपना चल रहा है। कभी कभी किसी को ये भाव सपने में भी पकड़ जाता है कि अरे मैं तो सपना देख रहा हूं और सपने के भीतर ही सपना भी देख रहा हूं। किसी किसी को ये भाव भी पकड़ जाता है, वो भी जागरण का एक अद्भुत क्षण होता है, लेकिन आम तौर से ऐसा नहीं होता। तो ये बड़ा ही सुंदर है। संक्षेप में बात इतनी है कि तुम्हें अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं से भागना नहीं है, उनको जीने में भी कोई बुराई नहीं है। अध्यात्म कहता है इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, लेकिन ये कह के भी कौन होता है?
आध्यात्मिक लोग कुछ भिन्न किस्म की इच्छाओं से भर जाते हैं। इच्छाओं से वही मुक्त हो जाता है जो इच्छाओं को स्वप्न की तरह देखने लगता है कि हर इच्छा एक किस्म का सपना है। इस सपने के साथ तुम खेल सकते हो, गंभीर नहीं हो लेकिन तुम सपने के साथ खेल तो सकते हो। अब जैसे तुम कोई खेल खेलने जा रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से खेलना तुम चाहते हो, ऐसा तो नहीं चाहते हो कि खेल खेलने गए हो और यूं ही खेल के चले आए। तो ऐसे ही जब तुम अपनी इच्छाओं का खेल रचते हो तो उसे बहुत अच्छे से खेलते हो और जैसे ही वो पूरा होता है उससे बाहर हो जाते हो, वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होती। पूरी होती है तब भी हावी नहीं होती, नहीं पूरी होती है तब भी हावी नहीं होती। उनका तुम्हारे ऊपर आरोपण नहीं है, उनकी तुम्हारे ऊपर पकड़ नहीं है। यही जीवन जीने का सही ढंग है। इसीलिए इच्छाओं से आतंकित होने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति इच्छाएं कर सकता है लेकिन उन्हें स्वप्नवत जानते हो, और ये तुम तभी जान पाओगे जब अपने भीतर के खालीपन को अनुभव कर रहे होगे, जब तुम अपने भीतर की रिक्तता को, शून्यता को अनुभव कर रहे होगे, तब ये बहुत सहज हो पड़े, बहुत ही सरल हो जाए। तो इसको इस प्रकार ही देखें तो पूरा जीवन आनंद से भर सके।